नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विशेष एलन का कंसेप्ट है, एलन का एकेडमिक कोइनोर सेंटर, जिसकी शुरुआत एलन ने मुंबई में करी थी और ये उसका पिछले साल का जो रिजल्ट रहा था उसी का खास परिणाम है। लास्ट टाइम हमारे पास जब पहले साल मुंबई में आए थे, हमें कुछ बच्चे महाराष्ट्र के ऐसे मिले जिन्हें बोर्ड का सिलेबस खत्म करना था, जो हमारे पास अगस्त में ज्वाइन हुए और उनको हमने बोर्ड के हिसाब से जोड़ा। लेकिन जो कोहिनूर कंसेप्ट वो क्या है, राउंड द क्लॉक 24/7 हमेशा फैकल्टी, टीचर्स, मेंटर उनके साथ हमेशा रहते हैं उनके हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट और इतना इम्प्रेसिव उसका प्रभाव पड़ा कि 2 महीने के अंदर वो बच्चे लगे कि इनमें शार्प स्पार्क है, इनको हम आईटी के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। इन बच्चों को हमने आईटी के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया, बच्चों ने आईटी का फॉर्म भरा और 4 महीने बाद लगा कि बच्चा रिजल्ट भी ला सकता है। और जब आगे सफर चला, जब 24/7 का हर दिन बच्चों के साथ यहाँ पर फैकल्टी का साथ था, जहाँ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल से घर में छोटे भाई बहन को पढ़ाते ऐसे करके चल रहे थे, तब जेई एडवांस का एग्जाम का टाइम आया और एग्जाम दिया तो पहले साल उन बच्चों में से हमारे टॉप 150 में 6 in top 150 रिजल्ट आया। हमें लगा कोई विशेष एक खास बात है, हम इस कोहिनूर कंसेप्ट से हर जगह ऐसे बच्चों को ढूंढ कर तराश कर कोहिनूर बना सकते हैं। और उसी चीज़ को हमने एलएन मुंबई के बाद इंदौर में स्टार्ट किया। इसमें लास्ट ईयर इंदौर से मेडिकल में 2nd रैंक आई थी। उसी चीज़ को फॉलो करके सिस्टम की अच्छी खुशबू मानकर इस बार कोटा में एक बिल्डिंग बनाई गई, उसका नाम ही कोहिनूर बिल्डिंग है एलएन की। लेकिन इसकी शुरुआत मुंबई से हुई और उसी ने मुंबई ने जिससे शुरुआत करी है, इसकी आधारशिला के साथ नींव रखी है। आज उसी मुंबई ने अपने 2nd ईयर में इसी कोहिनूर कंसेप्ट से, जहाँ पे कोहिनूर की डिवोटेड, डेडिकेटेड और मैं कह दूंगा एक तरह से एलएन के साथ से मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीम, बहुत बढ़िया टीम, जहाँ का आपस का कोऑर्डिनेशन, समन्वय, एक दूसरे की खूबी ताकत को आपस में बिल्कुल अंदर से स्वीकार करते हुए, आदर देते हुए, वेलकम करते हुए टीम काम करती है। इस बार उन्होंने ऐसा काम किया, बच्चों ने इतना कड़ी मेहनत करी, ऐसा सेक्रीफाइस किया, हर तरह का त्याग किया, बाहर की दुनिया सबको आइसोलेट रखा और इस बार जेई 2018 में एलएन मुंबई के 2nd ईयर का रिजल्ट रहा, इसमें 3 in top 50 आया। और एक बच्चा अमूल्य गुप्ता अभी जिस तरह मिले थे उसमें 20 उसकी रैंक आ गई नीट यूजी में। तो अब लग रहा है दोनों ही स्ट्रीम के अंदर हम आगे अगर इसे बढ़ेंगे तो एक एक डिजिट काम करते जाएंगे। इस बार हमारे 2 digit में रैंक आई है, हमारा विश्वास है अगली बार जे एडवांस के अंदर हम कम से कम टॉप 10 में 3 रैंक एलएन मुंबई से प्रोड्यूस करेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि नीट यूजी उसमें आराम से अब टॉप 10 में एंट्री कर जाएंगे। एम्स का रिजल्ट भी इस बार बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। तो ये तरीका बच्चों के जो गुरुकुल का तरीका होता था वो एलएन ने अप्लाई किया और ये बिल्कुल कारगर सिद्ध हुआ। और यार चरितार्थ हो रहा है कि एलएन सिस्टम इसको और चंडीगढ़ और जहाँ जहाँ एलएन के सेंटर है वहाँ भी इसको अडॉप्ट करता जा रहा है। तो ये विशेष खास बात है जिसमें आज ऐसे बच्चों के साथ हमारी मुलाकात है जिन बच्चों ने हर तरह का सेक्रीफाइस किया लेकिन उनको कभी नहीं लगा कि वो घर से दूर हैं। उनको लगता है घर से दूर नहीं, घर से दूर एक बड़े घर में है जहाँ उनकी हर तरह की केयरिंग होती है। आज पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं और हम तो चाहते हैं कि आपको उनके द्वारा कोई भी एलन की अगर कमी लगे, कोई भी कमी लगे तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लगातार परफेक्शन का प्रयास किया जाए, क्योंकि आदमी परफेक्ट कभी नहीं होता लेकिन सुधार का जुम्मन रखें तो निखार आता जाता है। थैंक यू। 2018 में अपनी सफलता का पूरा श्रेय एलएन करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स और के अनुभवी टीचर्स की टीम को देना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि मेरा जेई एडवांस 2018 में जो रिजल्ट आया है उसके लिए एलएन करियर इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। टीचर का किस तरह का सपोर्ट रहा? जो फैकल्टी टीम है बहुत ही अच्छी है, तो हर स्टेप पे हर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, तो एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या यादें लेके जा रहे हैं यहाँ? जो बहुत बहुत अच्छे दोस्त, गहरे दोस्त बने, वही कॉलेज में भी साथ देंगे, तो ये इस रैंक के साथ ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके। मेरी 2 साल की मेहनत पूरी सफल हुई, आज मैंने अपना
मतलब दो साल पढ़ाई में लगाया था। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैंने एलन का स्टडी मटेरियल रेफर करा था, वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं और इनके टीचर्स मेरे डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब भी मुझे डाउट होता था मैं इनको क्लियर करवा सकता था और इवन मुझको मतलब स्पेशल मीन्स की तैयारी भी करवाई थी। एलन कोहिनूर अराउंड 7 months बैक। एलन कोहिनूर इज़ अ वेरी वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव कंसेप्ट। कहते हैं ना कि हम बचपन में पढ़ते थे, भारत से दूर एक छोटा भारत, यहाँ पे घर से दूर एक छोटा सा घर, विच इज एलन कोहिनूर। ओके। जहाँ पर आपके पास टीचर्स पूरे टाइम साथ में रहते हैं ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो ये लास्ट के 6-7 महीने होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और IIT में IIT एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उस टाइम में अगर आपके पास टीचर आपके हमेशा अवेलेबल है तो देन इट इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट। राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।